और भाई कुछ तेरे को काम मिला? काम करता है भाई तू कुछ? थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेता हूँ जिसके घर में, या थोड़े घर घर जाके साफ सफाई कर देता हूँ, पैसे मुझे मिल जाते हैं, फिर उसी से थोड़ा भाई पेट वेट भर जाता है यार मेरा। अच्छा तू क्या काम कर रहा है भाई अभी? तेरा क्या सब ठीक चल रहा है काम वाम? देखता हूँ यार कहीं मेरे को काम मिल जाएगा तो यार मैं कहीं कर लूंगा यार, कैसे मुझे भी यार ठीक नहीं लगता यार कभी बैठे बैठे यार, तो कैसे यार मजा नहीं है यार, ऐसे कुछ काम वाम करेंगे ना तो लाइफ सही रहेगा। अच्छा वो देख उधर देख ना यार, उधर कौन है ब्रिज के पास? अरे भाई क्या यार क्या लड़की है भाई, चलो यार मैं जाता हूँ यार बात करके आता हूँ यार। अरे भाई मत जा यार, वो अमीर लोग यार, अमीर लोग यार बहुत यार बहुत बदमाश रहते, एकदम घटिया रहते हैं यार, मत जा यार लो यार, तेरे कोई यार उल्टा परेशान कर देंगे यार, वहाँ पे चार पांच गालियाँ सुनाते हैं यार, मत जा यार, तेरी बहुत बेइज्जती कर देंगे यार। नहीं यार कुछ अमीर लोग यार बहुत अच्छे रहते हैं यार, चल यार मैं जाता हूँ यार, मैं मिल के आता हूँ यार, क्योंकि यार ऐसे यार मेरे को मुझे बहुत पसंद आया यार, मैं जा रहा हूँ मैं बात करके आऊँगा यार, चल यार मैं जल्दी से आता हूँ। अरे हेलो हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हेलो आप पीछे देखेंगे क्या? बोल रही क्या काम है तेरे को, जल्दी बोल क्या हो गया? अरे वो मैं ना उधर जरा पानी में तरफ बैठा था तो मैंने आपको देखा तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, मैं आपसे क्या फ्रेंडशिप कर सकता हूँ? हम एकदम अच्छे दोस्त रहेंगे, एक दूसरे का हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देंगे। अबे वे भिखारी के टैलेंटेड आदमी साले, तू का देखा है, तू फ्रेंड रहेगा और क्या बोल रहे, एक दूसरे का साथ देंगे, अच्छा जब तू मुश्किल में होगा तो मेरे से पैसा मांगने आ जाएगा, फिर बाद में पैसे लेके भाग जाएगा, है ना? यही भिखारी पना करते हो यार तुम लोग, कैसे लोग आ जाते हैं साले मुंह उठा के। अच्छा और फिर बाद में मुझे बोलेगा चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, है ना? है ना रामू ने ठीक बोला था, सभी लोग यार ऐसे ही बोलते, देखना आप चाहते हो ना, मैं आपको बहुत पसंद करता था, आपको अमीरे की जिंदगी जीनी है ना, चलो ठीक है, यदि मैं आपको बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, अभी तो जा रहा हूँ यार, इसको यार कुछ भी करूँगा और एकदम अच्छा आदमी बन के इसे जरूर अपनी दुल्हन बना के रहूँगा, सब अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अरे देखा भाई मैं बोला था ना मत जा लो, ऐसे ही लोग हैं यार, चल यार तू यार घर वापस चला, लो ऐसे ही लोग रहते हैं यार, छोड़ यार क्या बे फालतू यार, तू अपना वक्त बर कर दिया, चल यार छोड़ यार, चलो यार घर चलते हैं यार। नहीं इसका बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ आज से ही, मैं पूरा नौकरी ढूंढूंगा अपने लिए, जगह जगह जाऊँगा और अपने लिए नौकरी ढूंढूंगा। दो दिन सर बैठा हुआ यार, इतना यार कहीं भी यार नौकरी नहीं मिला यार, पूरा दो दिन यार पूरा हो गया यार, यार इनसे पूछता हूँ। अरे अरे भैया भैया रुको 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 रुको, गाड़ी रुको यार, गाड़ी रुको यार प्लीज। अभी देर पसली उधर मेरी गाड़ी तक मिली थी अबे एक्सीडेंट होने के लिए, बता भाई क्या हो गया थे, क्या काम है मेरे से? अरे रास्ते वास्ते जितनी भी गाड़ियाँ जा रही, मैं सबके दुकान जा के पूछा कि भाई नौकरी तो कोई नहीं दिया, तो मैं सोचूँ कि किसी की भी गाड़ी चाहिए उनसे पूछ ले करूँ कि कोई नौकरी देगा क्या, आप मुझे नौकरी दोगे क्या यार, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए सर प्लीज़। तेरा मुझे अंदाज थोड़ा सा पसंद नहीं आया, और कोई नहीं चलो भाई चलो, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठो तुम ड्राइव करो, मैं तुम्हें काम दूंगा ठीक है, चलो मेरे शोरूम मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हें काम वाम बता दूंगा, कैसे कैसे तुमको क्या क्या करना है तुमको देखना, तुम्हें कुछ सालों के अंदर तुम्हें इतना अच्छा बिजनेसमैन बना दूंगा, चलो आओ बैठो बैठो, बस तुम ईमानदारी से काम करना, चलो अब हम लोग चलते हैं। तो ये देखो ये हमारा शोरूम है, तुम्हें यहीं पे पूरा काम करना है, देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ट्रक्स वर्क्स यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ट्रक वर्क खड़े हैं ना, यहाँ पे सबको तुम्हें रिपेयर करना है, यहाँ पे जो भी गाड़ी आएगी उनको रिपेयर करना है, फिर ये सब तुमको अगर तुम अच्छे से काम वाम सीख जाओगे फिर मैं तुम्हें और भी मस्त मस्त तुम्हें अच्छे अच्छे काम देने वाला हूँ, तो जल्दी से तुम अपने काम पर लग जाओ। ओके थैंक यू सर, आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया, चलो ठीक है आप मुझे जितने भी तनख्वाह दोगे मैं तैयार हूँ, चलो जल्दी मैं अपना काम चालू कर देता हूँ। तो हेलो सर, चलो मैं अपने आगे अपना काम करने के जल्दी मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ, और सुनो अरे इधर तो आओ जरा इधर तो आओ, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ, तुम अपना आज अपना तुम सैलरी भी तुम अपना ले जाना ठीक है सर। तो यार जल्दी चलो यार सर के पास चलता हूँ यार, जल्दी से उनको जाके यार सबसे पहले तो यार उनको बताने वाला हूँ जो कि मैं एक मैंने सुपर फास्टेस्ट सबसे महंगी बाइक खरीदी है, चलो यार अभी जल्दी से चलो यार सर के पास चलता हूँ यार, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे यार मेरे को देख के क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद यहाँ से आया उनका काम कम्प्लीट करके। अरे अरे सर आपको क्या हो गया? अरे किसने किया आपका हाल ये बताइए सर, क्या हो गया? अरे बेटा मुझे बहुत बहुत गलत बीमारी है, मुझे बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो अभी मेरा बहुत आखिरी टाइम आ गया है बेटा। अरे चलो चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, जल्दी से चलो आप मेरे साथ मेरे बाइक में बैठ जाओ।
नहीं बेटा, बहुत टाइम हो गया, तुम मेरे एकदम अच्छे बंदे थे। मैं मरने से पहले तुम्हारे एक चीज करना चाहता हूँ। ये जितना भी चीज देख रहे हो, जितने मेरे जगह गए ना, सारा प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। छोटे, तुम मुझे बेटे जैसे थे मेरे। चलता हूँ बेटे, तुमसे अरे नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगा। अभी के लिए कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अरे आप नहीं जा सकते भाई, सर आप नहीं जा सकते। सर आपने क्यों मेरे नाम पे प्रॉपर्टी किया? सर इतना मैं मेहनती तो बन गया था। अरे मेरे सर मेरे को छोड़ के भी चले गए। अरे यार, एक ही वो मेरे एक लौते पिता जैसे थे, वो भी मेरे को छोड़ के चले गए। यार क्या यार, सर आपने मुझे अपने बेटे की जैसे पाला था। सर आपने भाई मुझे इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतना आपकी वजह से मैं इतना बड़ा नहीं बना। अरे वो कौन लोग हैं जो लड़की को परेशान कर रहे हैं? वो मैंने जैसे कि उस लड़की को कहीं देखा है? अरे कौन हो रहे तुम लोग, छोड़ दो उसे, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग को? तुम लोग को शर्म नहीं आता बे साले लोग? अबे ठरकी लोग, तुम दोनों को बोल रहे हो बे, पीछे देखो बे साले लोग, तुम लोग का बहुत आ गया बे, तुम लोग औकात से ज़्यादा बाहर निकल रहे हो बे। तुम लोग को तुम लोग की औकात दिखानी पड़ेगी बे, दो कौड़ी के बंदे लोग। केले बे तू मेरा भूसा खा बे, दो कौड़ी के बंदे, ये ले मर जा साले भूसड़ी के साला। एक गया, तू क्या देख रहा है खड़े खड़े थे दोस्त, मर गया है तू, तमाशा देख रहा है? अरे तुमको कुछ, अरे शुक्रिया तुमने मुझे बचाया, और मैंने उस दिन जो तुम्हें कहा था उस टाइम के लिए सॉरी। वो तुम्हें बात याद है, पुरानी बातें, जिस दिन तुम यहाँ पे मुझे दोस्ती करने आए थे मैंने तुम्हें मना कर दिया था। सब बात याद है, तुमने मुझे भिखारी समझ के मुझे भगा दिया था, मुझे अभी भी वो बात याद है। उस टाइम मैं बहुत तकलीफ में थी, और मैंने तुम्हें गुस्से में भला बुरा कह दिया, उसके लिए मुझे सॉरी। मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ दिल से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अभी मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने उस टाइम से मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिले, पर तुम आज जाके मुझे मिल चुके हो। क्या तुम मुझे भी तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ या फिर अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ मैं। जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी। सो गाइज, आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, 70K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब है हम सभी लोग। सो गाइज, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ठीक है, और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है भाई। पार्ट 1 आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, और इसका पार्ट 2 भी भाई जल्द से जल्द आने वाला है, बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो फिर मिलकर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।